अफरोज मेरा मौजू है अब्बास का हमला। मौला आप सबको सलामत रखे। सैयद हैदर रिज़वी साहब का लिखा हुआ कलाम मौला उनके दर्जात को मजीद बुलंद से बुलंद करना। अफरोज मेरा मौजू है अब्बास का हमला, पत्थर की निज फौज पे एहसास का हमला, दरिया पे दरिया के किनारे पे खड़ी प्यास का हमला, तौहीद की हर आस की हर आस का हमला, इतनी मेरे बाज में तो कीरो शरफ हो, जब नज़्म पढ़ूं सामने मेरा शाह नजफ। इतनी मेरे अल्फाज में तौकीर और शरफ हो, जब नज्म पढ़ूं सामे मेरा शाह नजफ हो। पहला शेर आपकी जमातों की नज़र हो चुका तारुफी बंद। मौला अब्बास मौला हुसैन से जंग की इजाज़त लेने के लिए उनके खैमे में गए। मौला ने अपने आका से क्या गुफ्तगू की वो आपकी जमातों की नज़र। मौला अब्बास मौला हुसैन से फरमाते हैं कि दिल है कि मैं अब प्यास की मेराज पे जाऊं। दिल है कि मैं अब प्यास की मेराज पे जाऊं, यहाँ पर दाए वहदत को तेरे खैमे मिलाऊं। या क्या इख्तियार है, या परदाए वहदत को तेरे खैमे मिलाऊं, 9 लाख को मौला तेरे कदमों पे झुकाऊं, मैं किसकी दुआ हूं ये जमाने को बताऊं, हिजियान को मालूम हो कुरान अभी है, सुफियान को बतलाओ के इमरान को मालूम हो कुरान अभी है, सुफियान को बतलाओ के इमरान अभी। मौला हुसैन ने मौला अब्बास से क्या फरमाया आपकी समातों की नजर के, ऐ जुर्रत कर्रार के मजहर इधर आओ, ऐ जुर्रत कर्रार के मजहर इधर आओ, ऐ मजहब गैरत के पैगंबर, ऐ मजहब गैरत के पैगंबर इधर आओ। अस्करी भाई आपकी नजर आई है, ऐ जिसमें विलायत के उठे सर इधर आओ, ऐ हैबत तौहीद के महवर इधर आओ। बैठ सुनिएगा, तेरे तेरे लिए ना कासिम अकबर के लिए है, ये फौज हमारे अली असगर के लिए है। यानी मौला अब्बास को इजाज़त नहीं मिली, यहाँ से मौजू शुरू होता है।
मौला अब्बास अपनी सवारी के पास आए, अशर और अब्बास की आपस में क्या गुफ्तगू है आपके समातों की नजर में। अब्बास ये बोले ऐ मेरी नूरी सवारी, यार एक लफ्ज बड़ा कीमती, अब्बास ये बोले ऐ मेरी नूरी सवारी, बेशक मेरी मर्जी है तुझे जान से प्यारी, ये जितने खड़े हैं ये नमाजी है ये कारी, सीनों में मगर इनकी अदावत है हमारी। भाई बहन सुनिए, मौला ने मुझे रोका है अब तू ही लड़ेगा। मौला अब्बास की बात सुनने के बाद अशर ने जो गुफ्तगू मौला से की वो आपकी समातों की नजर और स्टेज पर स्क्रीन भाई के हाथ में। गाजी के कदम चूम के कहने लगा अशर, ये चारों लाइनें जिस तरह मर्जी सुनिएगा, इसकी बैत जाया मत कीजिए। गाजी के कदम चूम के कहने लगा अशर, जो आंख तेरी सिमत उठेगी सर करबल, उस आंख में डालूंगा मैं खुद मौत का काज, लाशों की मेरी कदमों में बन जाएगी दल, मैं तेरी इजाजत का मजा चखने लगा हूँ, 9 लाख के सीनों पे मैं सोम रखने लगा हूँ, घर में नहीं लड़ना है तू खैमे में ठहर जा। अशल मौला अब्बास से क्या फरमाना, घर में नहीं लड़ना है तू खैमे में ठहर जा, और हुक्म दिनों करके तू ताहद नजर जा, पाताल में दुश्मन से भी कह दे के उतर जा, और मैं उसे घर इतना ही कह दू के तू मर जा, सर मेरे सर मेरे मैं जिसको कहूंगा